सबसे पहले देखते हैं संख्याओं की तुलना किस तरीके होगा कि यहाँ पर संख्याओं की तुलना करते समय बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है उसको हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर ये चार संख्याएं हमारे पास में 92, 392, 4456 और 89742। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पर? सबसे बड़ी संख्या है 89742। तो ये क्या होगी? बड़ी संख्या। जैसे हमें बहुत सारी संख्या दे रखी है उनमें बड़ी संख्या पहचाननी है तो हम बड़ी संख्या पहचान सकते हैं, छोटी संख्या पहचाननी है तो छोटी संख्या हम दे सकते हैं। जैसे 1902 है, 1920 है, ये 9201 है, 9021 है, ये 9210 है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 9210 है। अगर छोटी संख्या की बात करें तो छोटी संख्या यहाँ पर देखें, ये हमारी छोटी संख्या है 92, यानी कि 92 हमारी छोटी संख्या है। इधर हम बात करें इसमें तो छोटी संख्या कौन सी है? ये 1902, ये छोटी संख्या है। तो इस तरीके से हम छोटी संख्या और बड़ी संख्या देखेंगे। जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको हम छोटी संख्या मानेंगे और बड़ी संख्या होगी, यानी कि हम जो संख्या देखते हैं 1 अंक की संख्या दाई, 3 अंक की संख्या है वो सैकड़ा में आएगी यानी 100 के अंदर, 4 अंक की संख्या है यानी 3 0 हजार के अंदर आ जाएगी, फिर 10,000। तो इस तरीके से जाते हैं, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरीके से संख्या बढ़ती जाती है। अब हमें यहाँ पर जैसे कि बिना पुने हुए अंकों का प्रयोग करके चार पुनरावर्ती का मतलब है यानी हम छोटी संख्या बनाएंगे और एक हम, तो जब हम छोटी संख्या बनाएंगे तो हम इसको लिखेंगे आरोही, यहाँ पर लिखेंगे अवरोही क्रम में या फिर आरोही क्रम में। तो हम छोटी संख्या अगर बनाना है हमें तो हम लिखेंगे जो भी अंक दे रखे हैं उनको आरोही क्रम में, यानी कि छोटे से बड़े में। और जब हम बड़ी संख्या बनाएंगे तो उन अंकों को लिखेंगे हम अवरोही क्रम में, यानी कि बड़े से छोटे क्रम में। जैसे यहाँ पर 2874 है, इसकी सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या कौन कौन सी बन सकती है? तो सबसे पहले हम लिखते हैं 2 को, सबसे छोटा अंक है। 2 के बाद में क्या आएगा? 4 आएगा। 4 के बाद में क्या आएगा? 7 आएगा। और 7 के बाद में 8 आएगा। तो ये सबसे छोटी संख्या बनेगी किसकी सहायता से? ये सहायता से बनेगी, ये 4 अंकों की सहायता से। ये क्या है? सबसे छोटी है, सबसे छोटी संख्या। अगर इसी के आधार पर सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो कैसे बनाएंगे? इनको अवरोही क्रम में जमा देंगे, यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या में। जैसे सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिख दिया 8, 8 के बाद में लिख दिया 7, 7 के बाद में लिख दिया 4 और 4 के बाद में लिख दिया 2। तो ये क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या होगी। तो ऐसे ही हम यहाँ पर नंबरों के अकॉर्डिंग संख्या बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें, इस क्वेश्चन को देखें, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है? सबसे छोटा अंक लेंगे पहले 0, उसके बाद में 4 लिखेंगे, 4 से बड़ा अंक कौन सा है? 5, 5 के से बड़ा अंक कौन सा है? 7। ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, छोटी। और बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे पहले बड़ा अंक लिखेंगे, बड़ा अंक कौन सा है? 7, यानी इसको पलट देंगे सारे अंकों को, यानी 7 लिख दिया, 5 लिख दिया, 4 लिख दिया और 0 लिख दिया, ये क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो ऐसे भी पलट सकते हैं हम अंकों को, और यहाँ से देख कर भी हम लिख सकते, छोटी संख्या बनानी है तो सबसे पहले छोटा अंक लिखेंगे। जैसे दो बार प्रयोग करके चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे छोटी संख्या बनानी है, यानी एक अंक को हम यहाँ पर दो बार उपयोग में ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पर देखना होगा कि एक अंक कौन सा है जिसको दो बार लें। तो छोटी संख्या बनानी है तो छोटे अंक को हम दो बार लिखेंगे, ये होगी हमारी सबसे छोटी संख्या। और अगर हमें बड़ी संख्या बनानी है तो बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़े अंक को हम दो बार लिखेंगे। जैसे कि 8 बड़ा अंक है तो 8 को हम दो बार लिखेंगे, 8, 8, 7 और 3, ये सबसे बड़ी संख्या बनेगी। तो इस तरीके से हम संख्या बना सकते हैं। जैसे एक उदाहरण ये ले लेते हैं तीसरे नंबर का, इसमें हम देखें 0, 4, 9 है। सबसे छोटी संख्या बनानी है तो सबसे छोटे अंक को दो बार लिख देंगे, जैसे 0, 0, 4 और 9, ये हमारी बनेगी सबसे छोटी संख्या। अगर सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे बड़े अंक को हम दो बार लिख देंगे, सबसे बड़ा अंक क्या है? 9, तो 9, 9 और 4 और 0, ये सबसे बड़ी संख्या बनेगी। तो इस तरीके से
छिपे हुए प्रतिबंधों के साथ किन्हीं चार अंकों का प्रयोग करके चार अंकों की सबसे सबसे छोटी संख्या हमें बनाना है। तो चार अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? जैसे पहला अनुबंध सदैव इकाई के स्थान पर रहेगा, यानी सात हमेशा यहाँ पर रहना चाहिए इकाई के स्थान पर, यानी सबसे पहले सात रहना चाहिए इकाई के स्थान पर। और सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है? अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि अंक जीरो से संख्या प्रारंभ नहीं हो सकती। अब अंक जो मानते हैं हम, अंक यहाँ पर क्या मानते हैं, अंक हम एक से नौ तक ही मानते हैं अंक। जीरो को हम क्या नहीं मानते हैं, अंक नहीं मानते हैं। रखना है कि जीरो को हमें अंक नहीं मानना है। जैसे अंक चार दाएं के स्थान पर अंक चार रख देंगे, जैसे कि ये दूसरे नंबर पर दाएं के स्थान पर रख दिया, तो चाहे बड़ी संख्या हो। नेक्स्ट हम देखें, जैसे अंक नौ है सदैव नौ के स्थान पर होगा, जैसे अंक नौ सदैव नौ के स्थान पर हो, यानी कि सौ के स्थान पर हो, तो यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। नौ के स्थान पर होगा, इसका मतलब हम कहेंगे ये नौ यहाँ पर होना चाहिए, ये नौ यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि सौ के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम देखें सौ के आगे दो जीरो है, यानी दो अंक हमें छोड़ना है, तो नौ यहाँ पर होगा। सबसे बड़ी संख्या नौ यहाँ पर रख देंगे और सबसे छोटी संख्या में हमें नौ यहाँ पर रख देंगे। तो सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो नौ लिख दिए जाएंगे यहाँ पर, और सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो जीरो लिख देंगे। इसी तरीके से अंक एक है सदैव एक हजार पर हो, तो अंक एक हजार पर कब होगा, यहाँ पर हम रख देंगे एक, तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी, और यहाँ पर हम एक रख देंगे तो ये छोटी संख्या हो जाएगी। बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, यहाँ पर हम नौ लिख देंगे, यहाँ पर हम नौ लिख देंगे। सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो यहाँ पर हम वन लिख देंगे, यहाँ पर हम वन लिख देंगे, तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। यानी हमें जो भी अंक दिया रखा है, जैसे एक सदैव हजार पर दे रखा है, तो एक को हम कहाँ रख देंगे, हजार की जगह पर एक हजार, और ये जीरो है, अगर छोटा अंक लिखना है तो जीरो जीरो आएगा, अगर बड़ा अंक लिखना है तो इनकी जगह नाइन 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 आएगा। जैसे मान लो नौ सदैव है सौ के स्थान पर रहना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, नौ सौ लिख देंगे, क्योंकि सौ के स्थान पर यहाँ पर होगा, सौ के स्थान पर नौ। अगर छोटा अंक लिखना है तो जीरो जीरो आएगा, बड़ा अंक लिखना है तो नाइन नाइन और आ जाएगा, यानी नौ हजार नौ सौ निन्यानवे आ जाएगा। तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी, ये हमारी छोटी संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से छोटी संख्या और बड़ी संख्या हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप दो अंक दो और तीन लेते हैं, तो ये दो अंक ले लिए हमने दो, अब इन अंकों को समान बार दोहरा हुए, आप ऐसे कुल कितने संख्याएं बना सकते हैं? जैसे यहां पर दो और तीन अंक हमने लिया है, बनाना है समान बार दोहराना है, और चार अंकों की संख्या हमें बनानी है, बड़ी संख्या बनानी है और छोटी संख्या बनानी है। तो समान बार बड़ी संख्या कैसे बनेगी, दो 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 दो, चार बार दोहरा दिया हमने। तीन अंक है, तीन अंक को चार बार समान बार दोहराना है, तो तीन 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 तीन, तो ये चार बार दोहरा दिया, तो ये बड़ी संख्या बन जाएगी हमारी, और ये हमारी छोटी संख्या बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर चार अंकों की, इन अंकों को समान बार दोहराते हुए चार अंकों की संख्या बनानी है। तो बड़ी संख्या होगी 3333, छोटी संख्या होगी 2222। अब यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर ये क्रम में खड़े करना है इनको, और ये बताना है कि सबसे लंबा कौन है और सबसे छोटा कौन है। दिल्ली की लंबाई कितनी दे रखी है, 154 सेंटीमीटर, मोहन की 158 है और शशि की 159 है, तो यहाँ पर सबसे लंबा कौन है, तो जो सबसे ज्यादा अंक होगा वो सबसे लंबा होगा, कि इसकी लंबाई क्या दे रखी है, 160 सबसे ज्यादा है। दूसरा क्या पूछा है यहाँ, तो सबसे छोटा कौन होगा जिसकी लंबाई सबसे कम होगी, सबसे कम किसकी है, यहाँ पर डोली की, तो डोली यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी। तो लंबाई हम देख लेते हैं कि सेंटीमीटर में छोटा कौन होगा, हुए क्रम में लिख सकते हैं, तो बढ़ते हुए क्रम में हम इनका नाम लिख सकते हैं। बढ़ते हुए क्रम में क्या होगा, बढ़ता हुआ क्रम होता है आरोही क्रम। जैसे सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे बढ़ते हुए क्रम में, 154, यानी कि सबसे पहले नाम आएगा डोली का 154, उसके बाद में 154 के बाद जस्ट बड़ा कौन है, मोहन, तो मोहन लिखेंगे हम 158, तो मोहन का नाम आएगा 158 बढ़ता हुआ क्रम में। फिर आएगा मोहन के बाद में शशि का नंबर, यानी
चौथे नंबर पर आ जाता है यहाँ पर रामहरी, क्योंकि रामहरी सबसे बड़ा है, तो ये आ जाएगा 160 सेंटीमीटर। अगर इसको, जैसे ये तो हो गया हमारा बढ़ता हुआ क्रम में, अगर इसको घटते हुए क्रम है तो घटते हुए क्रम में उल्टा कर देंगे। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास में रामहरी का नाम, रामहरी, रामहरी के बाद में आ जाएगा शशि का नाम, शशि के बाद में आ जाएगा मोहन का नाम, और मोहन के बाद में आ जाएगा डोली का नाम। लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, सोहन और रीता, यहाँ पर अलमारियों की रेट बता रखी है, वहां कई अलमारियां उपलब्ध थी जिन पर उनके मूल्यों की पर्चियां लगी हुई हैं। क्या आप इनके मूल्यों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं? तो बढ़ते हुए क्रम में अगर हमें लगाना है तो क्या कर देंगे हम, आरोही क्रम कर देंगे। इसको अवरोही क्रम कर देंगे। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, जैसे आरोही क्रम अवरोही क्रम की यहाँ पर क्या आ गई, परिभाषा आ गई, आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही क्रम है घटता हुआ क्रम, जो हमने देख लिया है। तो इन नंबर्स को हम आरोही क्रम अवरोही क्रम में जमा लेंगे। अब देखते हैं हम अंकों का स्थानांतरण, यानी अंकों का स्थानांतरण करते हैं तो नंबर किस तरीके से बदल जाता है। जैसे 182 अंक लिया है, अब 182 जो अंक लिया है इसको हम किस तरीके से बदलते हैं, स्थानांतरण कैसे कर देते हैं। स्थानांतरण करने के लिए 821 जैसी बड़ी संख्या हो सकती है अगर इसका स्थानांतरण करें। स्थानांतरण कैसे करें, सबसे पहले बड़ा अंक रख देते हैं और फिर उसके बाद में उससे छोटा अंक दो और उससे बाद में एक रख देते हैं, यानी 821 संख्या बन सकती है इससे स्थानांतरण करते तो। इसकी छोटी संख्या भी बन सकती है, छोटी संख्या क्या बन सकती है, पहले सबसे छोटा अंक लिखेंगे, उसके बाद में सेकंड नंबर पर दूसरा नंबर का दो आ जाएगा और फिर एट आ जाएगा, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। यानी कि स्थानांतरण करने पर इसी अंक से बड़ी संख्या बन रही है 821 और छोटी संख्या जो बन रही है यहाँ पर वो बन रही है 128। तो हम यहाँ पर प्रश्नों पर ध्यान देते हैं, तो ये नई संख्या बनी है पहली संख्या से बड़ी है, क्या नई संख्या पहली संख्या से छोटी है। जैसे 182 हमने लिया था, अंकों का स्थानांतरण किया है तो ये बड़ी संख्या बनी है, अंकों का स्थानांतरण किया है तो नीचे वाली 128 है ये छोटी संख्या बनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबरों को आरोही क्रम में जमाते हैं अवरोही क्रम में जमाते हैं तो किस तरीके से चेंज होता है। जैसे क्या दे रखा है 795, तो 795 को हम क्या करते हैं, सबसे पहले आरोही क्रम में जमाते हैं, आरोही में छोटा सा बड़ा लेंगे हम तो 579, तो ये क्या बनेगी, छोटी संख्या बनेगी। इससे अगर इससे बड़ी संख्या बने फिर 5, यानी ये बनेगी बड़ी संख्या, तो इस तरीके से बनेंगे। अब हम संख्या जो है 10,000 में प्रवेश करते हैं, 10,000 में जब प्रवेश करते हैं, जैसे 99 से आगे अगर संख्या 10,000 में प्रवेश करते हैं तो सबसे बड़ी संख्या क्या आती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1000, सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की कौन सी है 1000 है, 3 अंकों की यहाँ पर 111 नहीं है, 3 अंकों की संख्या है 100 है सिर्फ, 3 अंकों की संख्या क्या है 100, क्योंकि 100 भी यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर देखते हैं कि ये संख्या कैसे आती है, जैसे 9 और 1 10 होता है तो 10 इंटू 1 भी लिख सकते हैं इसको, 99 + 1 100 होता है, इसको 100 × 100 भी लिख सकते हैं, और 999 में 1 जोड़ते हैं तो 1000 आता है, 10 × 100 भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, 1 10,000 है उसको, यानी 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया और 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये नंबर बढ़ते जाते हैं। यानी इकाई के अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 1 होती है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाती है, यानी इकाई का अंक सबसे बड़ा कौन सा है, 9, अगर हम इसमें 1 अंक जोड़ देते हैं तो ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है हमारे पास में 99 देते हैं तो क्या बन जाएगा 100, जो कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, ये 2 अंकों की सबसे बड़ी है और ये 3 अंकों की सबसे बड़ी बना छोटी बनानी है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाती है 1 जोड़ने पर। जैसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है हमारे पास में 999, सबसे छोटी संख्या बन जाती है, क्या बनेगा, 1000 बनेगा। तो इस तरीके से आगे की संख्या हम निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं स्थानीय मान,
स्थानीय मान किस तरीके से लिखा जाता है के बारे में हम नहीं है तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, सिर्फ 8 होगा। 7 के आगे क्या है, एक अंक है, कौन 8 है, तो 7 के आगे एक अंक है, एक अंक, तो 7 के 10 लिख देते हैं तो इसका स्थानीय मान कितना होगा, 70 होगा। इस तरीके से हम मान लो 278 का उदाहरण लेते हैं, मान क्या होगा, होगा 7 के आगे एक अंक है तो 7 और 0 हो जाएगा, यानी 10 लगा देंगे। 2 का स्थानीय क्या है, 2 के आगे 2 अंक है तो 20 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 200। तो इस तरीके से स्थानीय मान लिख सकते हैं। अब मान लो इसका विस्तारित रूप लिखना है 278 का, तो विस्तारित रूप कैसे, इसे 278 का विस्तारित रूप लिखना है तो 2 के आगे 2 अंक है तो 20 लगा देंगे, प्लस 7 के आगे प्लस नहीं है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 आता है, प्लस 70 कब आता है, जब 7 को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 आता है। और 200 के स्थान पर है, तो यहाँ पर हम एक प्रसारित रूप देखें, जैसे कि किसका 5270 का प्रसारित रूप लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 5270 का लिखना है तो 5 के आगे कितने अंक है, 3 अंक है, तो 5 के आगे 30 आ जाएगी, प्लस 2 के आगे कितने अंक है, 2 अंक है तो 2 अंक आ जाएगा, यानी 20 आ जाएगी, प्लस 7 के आगे कितना अंक है, 1 अंक है तो 7 के आगे 10 आ जाएगी, प्लस 8। अब यहाँ पर देखें ये क्या है, 30 है, यानी कि 5 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये क्या है, 200 है तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये क्या है, 70 है तो 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 8। तो ये क्या होगा, विस्तारित रूप, यानी कोई भी संख्या दी हुई होती है उसका विस्तारित रूप हम इस तरीके से करते हैं। ऐसे एक और उदाहरण दे रखा है यहाँ पर, क्या है, जैसे हम ले लेते हैं, यानी कि 45278 ये उदाहरण लिया, तो कैसे इसको करेंगे, हम इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि 4 है, 4 के आगे कितने अंक है, 4 अंक है तो 4 के आगे 40 आ जाएगी, 1 2 3 4, प्लस 5 के आगे 3 अंक है, 30 आ जाएगी, 5 के आगे 1 2 3, प्लस 2 के आगे 2 अंक है तो 20 आ जाएगी, प्लस 2 के आगे 20, फिर 7 के आगे 1 अंक है तो 10 आ जाएगी, 70, फिर 8 है। अब यहाँ पर ये जो 0 है इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 4 × 1, और जो भी 0 है सबको यहाँ पर उतार देंगे, 1 2 3 4, प्लस 5 × 1, और जो भी 0 है यहाँ पर उतार देंगे, यानी कि 30 है तो 30 उतार दिए हमने, ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के आगे 20 है तो 2 × 1, 20 को लिख दिया, प्लस 7 के आगे 10 है तो 7 × 1, जो 0 है उसको उतार दिया, प्लस 8, ये हो जाएगा हमारा विस्तारित रूप। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटेंड फॉर्म। तो यहाँ पर ये विस्तारित रूप दिखाया गया है किसका, 20,000 का, 26,000 का, और 1,400 है, 65,740 है, 89,324 है, ये जो संख्या है 50,000 है, 41,000 है, 47,300 है, 57,630 है, फिर है 29,485, 29,085, 20,085, 20,005। तो यहाँ पर 5 अंकों वाली संख्या भी पढ़ सकते हैं, उनको लिख सकते हैं, उनका विस्तारित रूप हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम किसमें प्रवेश करेंगे, 1000 के बाद में 10,000 में प्रवेश कर लिया, अब हम प्रवेश करते हैं 1,000,000 में, यानी 1,00,000 में प्रवेश करते हैं पहले, उसके बाद में 1,00,000 में प्रवेश करेंगे। तो 1,00,000 में प्रवेश करने के लिए 1,00,000 में कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं, तो 6 अंक हम यहाँ पर लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 1,00,000 हमें लिखना है तो 1,00,000 में कितनी जीरो होती है, एक यहाँ पर लिख लेंगे और बाकी जगह पर 5 लगा देंगे, तो ये हो गया हमारा 1,00,000, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, तो ये 1,00,000 नंबर बन जाएगा। तब इस 1,00,000 नंबर को कैसे प्राप्त करें, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देने की संख्या है, मान लीजिए हमसे क्वेश्चन पूछे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5 बार हम 9 लिख देंगे, 1 2 3 4 5। अगर इस 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में हम 1 जोड़ देते हैं तो क्या मिलेगी हमें, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलेगी, तो 1 2 3 4 5, तो ये हमारी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, और ये हमारी है 5 अंकों की।
सबसे से निकाला जाएगा। अब इसका विस्तारित रूप हम देखें, जैसे विस्तारित रूप यहाँ पर दिखाया गया है 246 और 853 यानी 246,853 है संख्या, तो 5 0 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 प्लस 4 के आगे कितने अंक है, 4 अंक है, तो 4 के 1 2 3। इसी तरीके से 8 के आगे कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 0 लिख देंगे, हो जाएगा विस्तारित रूप। लेकिन ये कंप्लीट विस्तारित रूप नहीं है, पहले हम इसको 2 और जितनी भी 0 है उनको हम यहाँ रख देते हैं, कितने 0 है, 1 2 3 4 5 प्लस 4 × 1 लिखेंगे 4 प्लस 6 × 1 लिखेंगे, जितने भी 0 है यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3, 8 × 1 लिखेंगे और जितने भी 0 है लिख देंगे यहाँ 2 0 है, प्लस 5 × 1 कितने 0 है, 1 0 है, तो 1 लिख दिया, और प्लस 3, तो ये हमारा विस्तारित रूप हो जाएगा, यानी कि लाख वाली संख्या है उसका ये विस्तारित रूप हो जाएगा। तो यहाँ पर इन नंबर्स को लिख लेंगे, जैसे 3 लाख है, ये 3,50,000 है, ये 3,53,500 है, ये है 4,57,928, ये 4,07,928, ये है 4,829, ये है 4,29। तो इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लिख लेंगे। अब बड़ी संख्या की बात करें, बड़ी संख्याएं जैसे 10 लाख के अंदर आ जाती है, तो 10 लाख में किस तरीके संख्या हो जाएंगी, यानी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ देंगे तो 7 लाख। तो यहाँ पर ये हम निकालने की कोशिश करते हैं कि 10 - 1 क्या होता है, 9 होता है, 100 - 1 क्या होता है, 99। जैसे यहाँ पर हम देखें कितने अंकों की संख्या है, ये 3 और 3 6 अंकों की संख्या है, इसमें से 1 घटाया तो 5 बार 9 आएगा, 1 2 3 4 5। इस तरीके से ये कितने अंकों की संख्या है, 3 है 3 6 और 2 8, तो 7 बार 9 आएगा 1 घटाने पर, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये संख्या क्या होगी, ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 99,99,999 ये वैल्यू होगी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे यहाँ पर हम देखें ऐसे 5 उदाहरण दीजिए जो गिनी जाने वाली वस्तुओं की संख्या 6 अंकों की संख्या से अधिक है। तो ऐसे हमें 5 उदाहरण देने हैं जो 6 अंकों की संख्या से अधिक होनी चाहिए। 6 अंकों की संख्या हम लिख लेते हैं पहले, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 अंकों की संख्या है। तो ऐसे 5 उदाहरण लेने हैं जो 6 अंकों की जो संख्या है उससे अधिक है। अब 6 अंकों की संख्या कौन सी है हमारी, ये हमारी 6 अंकों की संख्या है, यानी 0 हम लिख देते हैं बाकी की जगह, इसकी जगह 0 लिख दिया, इसकी जगह 0, इसकी जगह 0, इसकी जगह 0, तो ये 6 अंकों की संख्या है। इससे बड़ी कोई भी संख्या हम लिख सकते हैं, यानी बाकी जगह पर 0 लिख सकते हैं, यानी यह संख्या ये भी हो सकती है, सबसे पहले हम 1 लिख देते हैं, बाकी 2 3 4 5 6 ये भी हो सकती है, 1 0 0 0 5 ये भी हो सकती है 6 अंकों की बड़ी संख्या, 2 3 5 1 4, तो इस तरीके से। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है हमारे पास में 6 बार 9, लिख देंगे, इसको घटनी है, तो घटते हुए में क्रम में क्या आ जाएगा, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 8 अंक हमें आरोही क्रम में संख्या लिखनी है। तो यहां पर हम
एक बार देंगे, बाकी जगह पर हम सेम अंक रहने देंगे, यानी 100। तो ये हो जाएगी 1,00,000। एक हमारी आरोही क्रम में संख्या हो जाएंगे। तो अब बड़ी संख्याओं को पढ़ने का यहाँ पर प्रयास करते हैं, जैसे कि ये जो संख्या है ये क्या कहलाएगी, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, यानी 4 करोड़। 4 करोड़ के बाद में क्या आ रहा है यहाँ पर, 3,50,000, 3,50,894। इसी तरीके से यहाँ पर इस संख्या को पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम कहाँ कहाँ पर टिक लगाएंगे, जहां पर हमें दिक्कत आ रही है, जैसे कि इकाई, दाई, सैकड़ा, तो यहाँ पर टिक नहीं लगाते हैं, सैकड़ा पर लगा देते हैं हम एक तो। फिर सैकड़ा के बाद में हजार, 10,000, तो 10,000 पर टिक लगा दिया हमने। फिर लाख, 10,00,000, 10,00,000 पर टिक लगा दिया। फिर करोड़ और 10 करोड़, यानी कि अब ये टिक लगाया है, इसको हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। जैसे संख्या को पढ़ते कैसे हैं, संख्या को हम लिख लग देते हैं 15,27,00,375। अब पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, टिक लगा देते हैं जहां जहां पर हमें पढ़ना है। जैसे इकाई, दाई, सैकड़ा लिखनी है, सैकड़ा पर हमने टिक लगा दिया। फिर सैकड़ा के बाद में हजार, 10,000 तक देखते हैं, सैकड़ा के बाद में हजार और 10,000, तो 10,000 पर टिक लगा दिया। फिर लाख और 10,00,000, 10,00,000 पर टिक लगा देंगे। फिर करोड़ और 10 करोड़, तो ये होगी वैल्यू 15 करोड़, 15 को एक साथ बोलेंगे 15 करोड़। फिर 27,00,000, 27 को एक साथ बोलेंगे। फिर यहाँ पर हजार में कुछ है नहीं है, तो लाख के बाद में डायरेक्ट क्या आएगा, 375, 15 करोड़ 27,00,375, ऐसे पढ़ते हैं। तो ऐसे नंबर को हम, बड़ी बड़ी संख्याओं को इस तरीके से पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे कोई भी विस्तारित रूप जो करते हैं, जैसे विस्तारित रूप हमने देख लिया है कि विस्तारित रूप किस तरीके से करते हैं, प्रसारित रूप किस तरीके से करते हैं कोई भी संख्या का। जैसे यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है 7,34,543, तो इसका प्रसारित रूप क्या है, 5 अंक है, तो 7 के बाद में 5 अंक हो जाएगा, यानी 7×1 और 5 0 आ जाएगी, यानी 1 के 5 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से प्रसारित रूप हमने देख लिया है कई बार। तो ये दोनों संख्याएं हैं। जैसे दूसरी संख्या क्या है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, यानी 32,00,000, 32 के बाद में कॉमा लगा हुआ है, 32,00,000। फिर 75,829, तो ये 32,75,829 हो जाएगी संख्या। फिर करोड़ के अंदर बात करते हैं, करोड़ के अंदर क्या होगी, से ये वाली संख्या है, ये क्या है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, यानी 2,57,34,543। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, संख्याओं के लिए इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी इकाई के लिए हमने क्या लिख लिया है, ओ लिख लिया है, यानी यूनिट 0। दाई के लिए हमने टी लिख लिया है। सैकड़ा के लिए हमने क्या लिख लिया है, एच लिख लिया है, क्योंकि 100 से बनता है एच। थाउजेंड के लिए हमने क्या लिया है, टी एच लिया है, क्योंकि ये 10,000 से बनता है, यानी कि 1,000। 10,000 से इसको दस लाख को हमने ले लिया टी एल ए, यानी कि 10,00,000। करोड़ को ले लिया है सी आर, और 10 करोड़ को ले लिया है 10। नंबर कैसे लिखा हुआ है, इकाई में लिख दिया हमने 9 सिर्फ, दाएं 8, 2, 7, 5, 8, 2, 9। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, सबसे और ये करोड़ के अंदर है, यानी 10 करोड़ मारा है, तो इसको बोलेंगे 65 करोड़। डायरेक्ट पूरा बोलेंगे करोड़ वाली संख्या को एक साथ, 65 करोड़ 32,75,829। तो इस तरीके से नंबर को बोला जाएगा, यानी अल्प विरामों का किस तरीके से यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ये जो चिन्ह होता है ये किसका चिन्ह होता है, अल्प विराम का। तो अल्प विराम का चिन्ह संख्या लिखते समय हम लिखते हैं, अगर हम संख्या लिखते हैं
जैसे अगर हम डायरेक्ट इस तरीके संख्या लिखते हैं तो ये गलत है, 5000 नहीं बोली जाएगी इसको, जब तक हम इसको अल्पविराम नहीं लगाएंगे ये इसको 5000 नहीं बोला जाएगा। तो इस तरीके से हमें अल्पविराम संख्या में लगाना जरूरी है। जैसे इस संख्या को पढ़े हैं, क्या हो सकती है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर करोड़। तो 5 करोड़, 1,592, इस तरीके से संख्याओं को पढ़ा जाएगा। अब अंतरराष्ट्रीय जो संख्या पद्धति है यहाँ पर वो करोड़ के बाद में भी चलती है, यानी कितने लाख से बाद में बिलियन आता है, बिलियन के बाद में संख, पदम, ये चलते हैं। जैसे 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं, 1 बिलियन में, और फिर मिलियन की संख्या के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। जैसे प्रसारित रूप में यहाँ पर हमने देखा है प्रसारित रूप कैसे लिखते हैं, कैसे इनका प्रयोग किया जाएगा, कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या है, कौन सी संख्या है छोटी संख्या है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये है, ये हम बता सकते हैं, प्रसारित रूप हम देख सकते हैं। यहाँ पर संख्याओं को पढ़ के हम देखेंगे, जैसे इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 7,02,509 होगी ये संख्या। तो लिखना कैसे लिखेंगे, 049, ये तो फिक्स रहेगी। यहाँ पर हम लगा देते हैं अल्पविराम, अल्पविराम में कितने आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे यहाँ पर, तो अल्पविराम के अंदर यहाँ पर 2 जीरो आ गई। फिर अल्पविराम लगा देते हैं, 2 अंक एक साथ आते हैं तो 95 आ जाएगा, और फिर अल्पविराम का चिन्ह लगा देते हैं, फिर क्या बचेगा, 18 बचेगा। तो ये हमारा वैल्यू होगी। तो ये क्या होगी, जैसे यहाँ पर ये है हजार, ये है लाख के लिए, ये है करोड़ के लिए, तो ये क्या होगा, 18,95,00,000, और तो संख्याओं को आरोही क्रम में किस तरीके से व्यवस्थित करना है, अवरोही क्रम में, ये हमने देखा है। ऐसी 3 बड़ी संख्याएं लेकर हम इस प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, उनको अल्पविराम में लेकर के लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखें, आप संख्याएं लिखने में सहायता कर सकते हैं, जैसे कि ये क्या है, 42,70,008 लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 42 लाख लिखना है तो 42 लिखेंगे सबसे पहले। अब लाख का हमें पता है, लाख के अंदर कितने होते हैं, कोई भी लाख होगा उसके अंदर 5 अंक होंगे, तो 5 अंक यहाँ पर छोड़ देंगे खाली, 1, 2, 3, 4, 5, अब ये होगा 42 लाख। अब 70,000 लिखना है तो 70 में यहाँ पर डायरेक्ट 42 लाख के बाद में 70,000 लिखना है, तो 70,000 में इसको 70 लिख देंगे, क्योंकि हजार के लिए 3 अंक होने चाहिए, 3 अंक यहाँ पर है पहले से, और फिर क्या है, हजार के बाद में 8 है, तो 8 हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, 2 अंक कहाँ पर खाली छोड़ देंगे, ये दोनों अंक हमने खाली छोड़ दिया, 8 लिख दिया, 8 की जगह 80 होता तो ये हम क्या कर देते, 42,70,000, 80 होता तो 080 कर देते, तो 42,70,000 80 हो जाता। अगर 42,70,000 की जगह 7,000 होता, जैसे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, 7,60,055 हमें लिखना है, तो 60 करोड़, तो करोड़ के अंदर कितने अंक आते हैं, जैसे करोड़ के अंक की बात करें तो हमारा जो इसे हजार में कितने अंक आते हैं, 5, फिर तो यहां पर आएगा करोड़, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, 7 करोड़, तो 7 करोड़ में 7 के आगे 7 अंक आने चाहिए, टोटल कितने अंक बचे हैं यहाँ पर, 7 अंक, तो 7 अंक आने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 अंकों के लिए खाली जगह छोड़ दिया हमने। अब 7 करोड़ के बाद में 60,60,000 है, तो यानी लाख वाली संख्या पर कुछ वैल्यू नहीं है, डायरेक्ट हजार वाली पर है, तो 60,000 है, तो लाख वाली संख्या हम खाली छोड़ देते हैं, तो ये लाख वाली संख्या है दोनों हमने खाली छोड़ दी है, और फिर क्या किया है, 60,000 है, तो हजार वाली संख्या है उसको भर देते हैं, तो 60,000 है, तो 60 लिख दिया यहाँ पर, 60,000, और उसके बाद में क्या है, 55, तो 55 हम लिख देंगे, यानी सैकड़ा वाली संख्या हमने खाली छोड़ देते हैं, तो 0 और 55 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 7,60,055। तो इस तरीके से नंबर्स को लिखा जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कि प्रश्नावली है, इसमें भर देते हैं, 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं, 10,000 क्या होता है, ये 10,000 होगा, तो ऐसे कितने 10,000 होंगे, तो 10,000 में कितने अंक आ गए, पहले से 4 जीरो आ गई है, और 1 लाख में कितनी जीरो होती है, 1 लाख में 5 जीरो होती है,
यानी हमें एक जीरो की और जरूरत है, तो इसका मतलब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 लाख में 10,000 होते हैं। इसी तरीके के बाद में मिलियन और फिर बिलियन आता है। तो मिलियन की बात करें, 1 बिलियन में कितने वैल्यू होंगे, तो हम यहाँ पर बात करते हैं जैसे इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और मिलियन। तो मिलियन में कितने जीरो आ रहे हैं यहाँ पर, 3, 3 6 और 3 9 जीरो आ रही है। कितनी जीरो होती है, 100,000 में मतलब कि 100 लिखा और उसमें हम जीरो लिख देते हैं। जीरो कितने लिखेंगे 100,000 में, 3 जीरो लिख दिए हमने, तो 5 जीरो तो पहले से ही आ गई है। और कितने जीरो की और जरूरत है यहाँ पर, जैसे 3, 3 6 और 3 9 जीरो हैं और 5 जीरो यहाँ पर पहले से आ गए, तो 4 जीरो की और जरूरत है यहाँ पर। तो 4 जीरो की और जरूरत है तो यहाँ पर 4 जीरो और लिख देंगे, सौ हजार होते। हम देख लेंगे कि 1 करोड़ में कितने लाख आ रहे हैं, 1 करोड़ में कितने मिलियन आ रहे हैं, 1 मिलियन में कितने, तो ये तो हम देखेंगे 10,100,000 आएंगे, 1 करोड़ में 10 10 लाख आएंगे, 1 करोड़ में 10 10 मिलियन आएंगे, 1 मिलियन में 10 लाख आएंगे, यानी 10 लाख से मल्टीप्लाई किया गया तो ये मिलियन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें जैसे संख्याओं को लिखना है और अल्पविराम लगाते हुए हमें नंबर लिखना है, जैसे लाख है 75,307 लिखना है, तो 73 लाख है तो 73 लिख देंगे, 73 लाख। उसके बाद 207 है तो 307 लिख देंगे, तो ये हमारी नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें लिखना है यहाँ पर 9,50,41 है, ये लिख लेंगे हम, और 7 करोड़ है 40, यानी कि 58,423,202 लिख लेंगे, 23,30,000। तो ये नंबर्स को लिख करके हम लिख सकते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा था उसी तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे अल्पविराम का चिन्ह हमें लिखना है, जैसे सैकड़े पर एक चिन्ह लिख सकते हैं, सैकड़े पर, फिर 2 अंक छोड़ के 1,000 पर, 2 अंक छोड़ के 8 पर, तो ये हो जाएगा अल्पविराम का चिन्ह। इस तरीके से यहाँ पर भी लिख सकते हैं, 3 अंक छोड़ करके, फिर 2 अंक छोड़ करके, ये क्या बोला जाएगा, 85 लाख, यानी कि 85,46,283 हो जाएगा। इस तरीके से जैसे 3 को अंक छोड़ के यहाँ पर नंबर लिखे हम, अल्पविराम का कोई भी संख्या में काम ले सकते हैं, जैसे इसमें काम में ले तो क्या लिखेंगे, पहले 3 अंकों को छोड़ करके अल्पविराम लगा देते हैं, फिर 2 अंकों को छोड़ करके लगाते हैं, फिर 2 अंकों को छोड़कर लगाते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ तक चलता है 1,000, फिर 1,000 के बाद में लाख, यानी इस नंबर को पूरा लिखें हम, 7,8,9,2,1,0,9,2। सबसे पहले 3 अंकों को छोड़ करके अल्पविराम लगाया, फिर 2 अंकों को छोड़कर बोला जाएगा 7,89,21,092, तो ये नंबर होगा। तो इस तरीके से संख्याओं को पढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि 1 मिलीमीटर में, यानी कि 10 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। जैसे हम स्केल जो लेते हैं, ये हमारे पास स्केल है, तो स्केल के अंदर 1 सेंटीमीटर होता है। जैसे टोटल हमारे पास में जो स्केल होती है वो 15 सेंटीमीटर की होती है। स्केल के अंदर भी छोटे छोटी इस तरीके से लाइन होती है, वो लाइन क्या कहलाती है, हमारी मिलीमीटर कहलाती है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 पर होती है, वो बड़ी संख्या होती है। तो यहाँ पर 1 से 10 तक क्या होता है, मिलीमीटर होता है। इसी तरीके से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 100 सेंटीमीटर जब होते हैं तो हमें पता है 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जैसे 100 सेंटीमीटर है 1 मीटर में, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 10 और जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा 10 1,000 मिलीमीटर। यानी कि 1 मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो 100 आ जाएगा, अगर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जा रहे हैं तो 1 और 0 बढ़ा देते हैं तो ये हो जाएगा 1,000 मिलीमीटर। अब यहाँ पर हमें क्या है, जैसे दिल्ली मुंबई और दिल्ली कोलकाता के बीच की दूरी बतानी है,
तो मीटर में भी एक छोटा, हम एक बड़े मात्रक का उपयोग लेते हैं, क्योंकि अगर हमें दूरी बतानी है, जैसे दिल्ली से कोलकाता की जो दूरी है वो मान लेते हैं 500 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 3 जीरो और लगा देंगे हम, यानी 1,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरीके से बताएंगे कि इतना 1,000 मीटर है, तो ये बोलने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए मीटर के बाद में किलोमीटर आता है, यानी किलोमीटर को हम उपयोग में लेते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1,000 मीटर होते हैं। एक मीटर के अंदर हमारे जो सेंटीमीटर होते हैं, मीटर में 10 होता है, यानी कि ये हो जाएगा मिलीमीटर के अंदर, 1 किलोमीटर को अगर है तो 1 किलोमीटर में 1 लाख। अब यहां पर हम देखें जैसे कितने सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर बनता है, तो कुल सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं यहां पर, एक बाकी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में हमने देखा है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 होते हैं। तो 1 मीटर में 100 है, तो 1,000 में कितने होंगे? 1,000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 जीरो, यानी 1 के 5 जीरो आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1,000, 1 के 5 जीरो, यानी 1 लाख। कितने सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर बनता है? 1 लाख सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर बनता है। इसी तरीके से भारत हमने गंगापुर सिटी ले लिया, इनके बीच की दूरी हमें पता क्या है और इनको किलोमीटर और मीटर में बताना है। अब बात करते हैं किलोग्राम की, जैसे कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1,000 ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में, और 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1,000 मिलीग्राम होते हैं। अब जैसे मिलीग्राम की बात करें यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन है कितने मिलीग्राम का 1 किलोग्राम बनता है, तो सबसे पहले किलोग्राम को ग्राम में बदलते हैं। अब हमें पता है कि 1 ग्राम में 1,000 मल्टीप्लाई कर देंगे, 1,000 × 1,000 कितनी जीरो आ गई? 3 जीरो इसमें, 3 जीरो इसमें, तो 6 जीरो, तो 1 के आ जाएगी 6 जीरो, और 6 जीरो कौन से नंबर पर आती है? 3 और 3 6 जीरो, 3 अंक को छोड़कर कॉमा लगा दिया, फिर 2 अंक को छोड़कर कॉमा लगा दिया, तो ये आती है 10 लाख में, यानी कि कितने मिलीग्राम से 1 किलोग्राम बनेगा? 10 लाख मिलीग्राम से यहाँ पर 1 किलोग्राम बनेगा। तो 2 लाख गोलियों में यहाँ पर प्रत्येक का भार दे रखा है 20 मिलीग्राम, तो 20 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पर कुल भार पूछा है, तो कुल भार का भार दे रखा है 20 मिलीग्राम, 20,000 गोलियों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगी हमारी वैल्यू मिलीग्राम में, तो कुल भार हमें ग्रामों में निकालना है, तो ये वैल्यू आएगी जो मिलीग्राम में आएगी इसको ग्रामों में निकालना है यहाँ पर, कि 1,000 मिलीग्राम में कितना ग्राम होता है? 1,000 मिलीग्राम में 1 ग्राम होता है, तो हमें इसको 20 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 2 लाख गोलियां हैं, ये 2 लाख गोलियां होगी, इनको 20 से मल्टीप्लाई करके क्या करना होगा? ग्राम में निकालना है, तो ग्राम में निकालने के लिए 1,000 का भाग देना होगा, 1,000 से 3 जीरो कट जाएंगे यहाँ पर, 2 से 2 4, यानी कि 4,000 ग्राम इसका वजन आ जाएगा। 4,000 ग्राम को किलोग्राम में अगर पूछा है, किलोग्राम में, तो 1,000 का और भाग दे देते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 4 किलोग्राम। तो ग्राम और किलोग्राम में निकालने का हमें ध्यान रखना है कि ग्राम में पूछा है आंसर या किलोग्राम में पूछा है। अब बात करते हैं लीटर की,
जैसे 1 लीटर होता है 1000 मिलीलीटर 1 लीटर के अंदर होता है। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। इसी तरीके से 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है, 1000 मिलीग्राम होता है। तो किलोग्राम के अंदर भी 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक बस अपनी यात्रा प्रारंभ की, एक बस यहाँ से अपनी यात्रा प्रारंभ करती है एफ बिंदु से। जैसे यहाँ पर बना लेते हैं हम एफ बिंदु, यहाँ से कोई बस स्टार्ट होती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विभिन्न स्थानों पर यात्रा में। तो ए से डी बस कितनी जा रही है, तो ए यहाँ पर है और डी कहाँ पर है, यहाँ पर तय कर रही है। तो यहाँ की 4170 दे रखी है, 4170 को लिख लेंगे हम। फिर 3410 दे रखी है, 3410 को लिख लेंगे। फिर क्या दे, तो 2160 लिख लेंगे। इन सबको हम जोड़ देंगे, जो भी वैल्यू आएगी ए से डी तक की वैल्यू आ जाएगी, 9700 आ जाएगा। इसी तरीके से डी से जी तक बस को जाने में कुल कितनी दूर लगी, तो डी से जी की बात करें यहाँ पर, डी से जी में ये वाली दूरी चेक तय करेगी 8140, तो 8140 को जोड़ देंगे। फिर ई से एफ कितना चल रही है, 4830, तो 4830 लिख लेंगे। फिर एफ से जी कितना चल रही है, 2550, तो 2550 को हम लिख लेंगे और फिर सबको जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखें बस द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो सब दूरियों को यहाँ पर जोड़ देंगे तक, और डी से ई तक की दूरियों का अंतर क्या है, तो दोनों में अंतर है, तो दोनों में अंतर हम निकालना है। जैसे ए से बी तक कितना समय ले रहा है, ए से बी तो यहाँ पर चाल कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितना चलना है उसको, 4170 किलोमीटर चलना है। तो ए से बी तक ये समय जो निकालना है, समय का सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी जो भी उसकी दूरी है और जो भी उसकी चाल है। दूरी क्या दे रखी है यहाँ पर, 4170, तो 60 का भाग, 60 का भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। 6 का भाग दिया 41 में, कितनी बार जाएगा, 6 5 30, 6 का जाएगा 6 बार, 36, बचेगा 5, 57, 7 6 42, 8 6 48, 9 बार जाएगा, 9 6 54, यानी कि 69.5, यानी 69 घंटे लगेंगे हमें और 30 मिनट, 0.5 का मतलब आधा, यानी 30 मिनट लगेगी। उन्हें हम समय निकाल सकते हैं कुल यात्रा में, यानी सबको जोड़ करके हम 60 का भाग दे देंगे। सी से डी तक में, सी से डी तक में क्या है, 2160 में 60 का भाग दे देंगे। तो चार हजार 830 प्लस 2550, इन दोनों को जोड़ेंगे और 60 का भाग दे देंगे, तो ये समय निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं दुकान की। जैसे सेब दे रखे हैं 40 रुपये प्रति किलो, संतरा दे रखे हैं 30 रुपये प्रति किलो, कंगा 3 रुपये का एक है, साबुन की जो टिकिया है वो 8 रुपये प्रति नग है। अब यहाँ पर अगर हमें बिल बनाना है, मान लो हमें बिल बनाना है कि हमने क्या किए, 5 केजी संतरे खरीदे, क्या खरीदे हैं, 5 केजी संतरे खरीदे हैं, पेंसिल ली है, पेंसिल ली, और एक हमने दांतों का बुरुज, तो कैसे करेंगे, 5 केजी संतरा, तो संतरे का मूल्य क्या है, 30 रुपये का 1 किलो मिल रहा है, तो 30 × 5 कर देंगे, तो ये 5 केजी हो गया। इसको हम बंद कर देंगे कोष्टक के अंदर बंद, प्लस दूसरा क्या है, 5, फिर प्लस
किया तो 5 आएगा और 1 इंटू 10 किया तो 10 आएगा, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 150 प्लस 10 यानी 160, 160 और 5 165, तो टोटल मूल्य कितना हो रहा है 165 हो रहा है। इस तरीके से देखते हैं कि बिल का मान क्या होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर बिक्री की, बात कर रखी है पिछले वर्ष की बिक्री दे रखी है, जैसे सेब इतने बिके हैं, संतरा इतना बिका है, कंघा, दांतों का ब्रश, पेंसिल, अभ्यास पुस्तिका और साबुन की टिकिया। तो ऊपर से रेट देख करके हम ये पता कर सकते हैं कि किसका भाव कितना है। पिछले वर्ष कितना उन्होंने सेब बेचा है और संतरा 1457 में जोड़ देंगे हम क्या 3004, तो ये और 4 और 5 यानी 61 किलोग्राम, तो ये केजी के अंदर आ गया है। 161 यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, ये वाली जो वैल्यू है वो संतरे की आ जाएगी। यहाँ पर जैसे संतरे की आ जाएगी 2457 और इधर आ जाएगी 3004, दोनों को जोड़ा 5461 आ गया। संतरे और सेबों का कुल भार कितना आ गया 5461। क्या रमन द्वारा सेबों को बेचने से प्राप्त कुल धनराशि ज्ञात कर सकते हैं? तो सेब कितने बेचे हैं रमन ने, यहाँ पर सेब जो बेचे हैं वो बेचे हैं 2457, तो 2400 से भाव से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेबों का भाव क्या है यहाँ पर, सेबों का भाव दिया हुआ है 54 रुपये, तो 40 रुपये दिए रखा है, यानी 40 रुपये का 1 किलो सेब मिल रहे हैं। और टोटल कितने किलो सेब हैं, ये 2457 किलो सेब है, तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टोटल सेबों का भाव आ जाएगा, यानी सेब कितने रुपए में बेचे हैं। फिर इसी तरीके से क्या आप रमन द्वारा सेबों और संतरों को बेचने से प्राप्त कुल धनराशि ज्ञात कर सकते हैं? तो इसी तरीके से जैसे सेब निकालें वैसे संतरे भी निकाल सकते हैं। संतरों का कितना बेचा है संतरे, यहाँ पर 4 kg संतरे बेचे हैं। और संतरे का भाव क्या है यहाँ पर, संतरे का भाव हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 रुपये के 1 किलो दे रखे हैं, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर जोड़ देंगे तो दोनों का मान आ जाएगा संतरे प्लस सेब का मान। रमन द्वारा प्रत्येक वस्तु को बेचने से प्राप्त धन सारणी बना सकते हैं, उसी बेची है और वह धन क्या है, वो हम प्रश्नों का उत्तर निकाल सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो कि जोड़ भाग की, यानी जोड़ घटा गुणा और भाग से प्रश्न हल होंगे। जैसे क्या है क्वेश्चन, 1991 में सुंदरनगर की जनसंख्या है 2,35,471, 2,35,471 ये जनसंख्या है कब, 1991 में। 2001 में पता चलता है कि जनसंख्या वो कितनी वृद्धि हो गई है, 72,958 की वृद्धि हो गई है, ये कब पता चला है, 2 साल बाद 2001 में। कितने की वृद्धि बता रहा है, ये वृद्धि बता रहा है, इसका मतलब जोड़ेंगे प्लस करेंगे, बढ़ रही है, तो ये हो जाएगा 72,958, तो इसका आंसर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ये आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2002 और 2003 में 7,43,000 साइकिलें बेची गई, कितनी बेची गई 7,43,000 साइकिल बेची गई थी। 2003-04 में बेची गई साइकिलों की संख्या कितनी हो गई थी, 8,00,100 हो गई, यानी कि 1 साल बाद जो टोटल बेची गई संख्या है वो होगी 8,00,100। इसका मतलब क्या है, 8,00,100 हो गई है, पहले हो गई है, इसका मतलब बीच में कितनी साइकिलें और बेच दी, तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर पूछा है किस वर्ष में अधिक साइकिलें बेची हैं और कितनी बेची हैं। तो यहाँ पर हम देखें कौन सी वर्ष बेची है, 8,00,000 बेची हैं, 2003-04 में बेची हैं, और कितनी बेच कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 57,100 आ रहा है, ये हम आंसर निकाल सकते हैं। अगर हमें उत्तर की जांच करनी है तो जो भी आंसर आ रहा है, जैसे मान लो 57,100 आ रहा है,
तो इसको हम जोड़ करके देख लेते हैं कि ये 8 लाख सो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 8 लाख सो आ रहा है तो आंसर हमारा सही है, नहीं तो गलत है। तो बारह पृष्ठ की एक समाचार पत्र है, उसमें कितने पेज हैं? 12 पेज हमें दिए हुए हैं। और इस समाचार पत्र की कितनी प्रतियां छपती हैं? इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 12 से मल्टीप्लाई, हमारे पास में पेजों की संख्या आ जाएगी, जैसे कि 1,43,760 आ रहा है। नेक्स्ट हम देखें, अगला क्वेश्चन है, जैसे कागज की यहाँ पर कितनी सीटें दे रखी हैं? अभ्यास पुस्तिका यानी एक किताब बनानी है, उसकी कागज की यहाँ पर 75,000 सीट उपलब्ध हैं। प्रत्येक सीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं। कितनी सीट है हमारे पास में? टोटल है दे रखी है 75,000, और एक सीट से कितने पृष्ठ बनते हैं? 8 पृष्ठ बनते हैं, यानी एक जैसे ऐसे टुकड़े हैं हमारे पास में कितने? 75,000, और एक टुकड़े से कितने सीट बनती हैं यहाँ पर? 8,000 सीट बनती हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर 8 सीट बन रही है एक टुकड़े में से, और टुकड़े हैं हमारे पास में 75,000। तो प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका में कितने पृष्ठ हैं? 200 पृष्ठ हैं। यानी पेज हैं, एक किताब के अंदर 200 पेज हैं। तो हम तो सबसे पहले तो हमारे पास सीटों की संख्या है 75,000, तो 75,000 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक सीट में कितने बन रहे हैं? 8 पेज बन रहे हैं। तो आठ से मल्टीप्लाई, 6 लाख में क्या दे रखा है? 200 पेज की एक किताब है, यानी 200 का हम क्या दे देंगे? भाग दे देंगे, तो उससे हमारी अभ्यास पुस्तिका की वैल्यू 0 से 2 0 कट गई, तो 3 से, तो अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या क्या आ जाएगी? 3,000। तो इस पर हम देखें, जैसे कि ये कुछ ये देख सकते हैं प्रश्नावली 1.2 में, यहाँ पर टिकट बेचे गए उनकी संख्या में 1812, 2050 और 2751, चारों दिनों में बेचे शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है, वह टेस्ट मैचों में अब तक कितने रन बना चुका है? 6,980 रन बना चुका है। वह 10,000 पूरे रन करना चाहता है, तो उसे कितने रनों की आवश्यकता है? यानी यहाँ पर हम देखें, आपके पास में मान लो 5 रुपए हैं और आप इनको 10 रुपए बनाना चाहते हैं, तो 10 रुपए कैसे बना सकते हैं? आप 5 और जोड़ेंगे तब 10 रुपए बनेंगे, या फिर आप 10 में से 5 माइनस कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ये शेखर है 10,000 रन बनाना चाहता है, अब तक कितने बना चुका है? 6,980 रन बना चुका है, यानी इसको माइनस कर देंगे, 10,000 में से 980 जो है उसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर जो रन बनाने हैं 5,77,500 मत प्राप्त करता है, यानी उसको वोट प्राप्त होते हैं 5,77,000, जबकि उसका जो निकटतम है प्रतिद्वंदी है उसको 3,48,700 मत प्राप्त हुए हैं। तो सफल प्रत्याशी ने चुनाव में कितने मतों से जीता है, यानी कि उनके बीच में डिफरेंस क्या है, कितने मतों से जीता है होगा? यानी कि 3,48,700 हमें माइनस करना होगा। चौथा क्वेश्चन देखें, कीर्ति बुक स्टोर से जून के 91 रुपए की पुस्तक बिकी है, इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,768 रुपए की पुस्तक बिकी है,
दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितने की बिक्री हुई? तो कुल आ गया, इसका मतलब हमें जोड़ करना है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, जोड़ करना होगा। और किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई, तो यहाँ पर हम दे सकते हैं कुल आ गया है, तो कुल के लिए हम कर देंगे जोड़। यानी सबसे पहले तो यहाँ पर 285,891 और 4,768 का जोड़ कर देंगे कुल के लिए, तो कुल कितने की बिक्री हुई। दूसरा क्वेश्चन पूछा है किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है, कि अब दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है। तीसरा क्वेश्चन इसी में पूछा है कितनी अधिक हुई है, अगर कितनी पूछा है तो माइनस कर देंगे, तो माइनस क्या करेंगे, 768 में से हम माइनस। तो हमें नेक्स्ट हम देखें, जैसे अंक हम दे रखे हैं 6, 2, 7, 4, 3, प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर हमें लिखना है, ऐड करेंगे जैसे 7, 6, 7 के बाद में 6, 6 के बाद में क्या आएगा, 4 आएगा, फिर 3 आएगा, 2, 3, 4, 6, 7, इसको हम माइनस कर देंगे, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, अंतर 825 पेज बनाती है। तो जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी में 31 दिन होते हैं। तो पहले एक दिन में कितने बना रही है, 2825, तो 31 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2825 को हमने 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे एक व्यापारी है, एक व्यापारी के पास कितने दे रखे हैं, 592 रुपए थे, उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया और प्रत्येक रेडियो का मूल्य है 1200 रुपए। रेडियो उसने खरीदे हैं और एक रेडियो कितने का है, 1200 का, तो 1200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 12, उसके पास पैसे कितने थे, 78,000 रुपए। तो यहाँ पर पूछा है कितनी पर 65 और 56 में कितने का अंतर है, 65 में से 56 हम घटा देते हैं, तो ये आएगा अंतर, जैसे कि 9 का अंतर यहाँ पर आ जाता है 65 और 56 में, तो यानी कि 9 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 72, 36 को हम क्या कर देंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने का अंतर है वो ज्यादा। हम देखें अगला क्वेश्चन, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है, 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं, तो यहाँ पर दे रखा है 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में बदल लेते हैं या फिर सेंटीमीटर 2.15 क्या होगा, 2.15, और इसको हम मीटर में रहने देते हैं, तो 2.15 का हम भाग देंगे, तो पॉइंट के बाद में कितने अंक है, 2 अंक है, तो यहाँ पर 2 0 बढ़ा देंगे, यानी कि 4000 में हम 215 का भाग देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, दवाइयों को बक्सों में भरा गया है, ऐसे प्रत्येक बक्से का भार, एक बैन में 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकते, तो ऐसे कितने बक्से यहाँ पर लादे जा सकते हैं, तो कितने बक्से लादे जा सकते हैं, 800 किलोग्राम से ज्यादा हमें भार नहीं ले जाना है, 800 किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं, या फिर हम दोनों को किलोग्राम बदल देते हैं, 4 किलोग्राम है 500 ग्राम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4.5, यानी इसको किलोग्राम में बदल दिया है, और इसको 800 में हम इसका
भाग दे देंगे तो पढ़ एक अंक, तो एक जीरो ऊपर बढ़ा देंगे, यानी कि 8,000 में हम किसका भाग दे देंगे 45 में। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल और किसी विद्यालय 1 किलोमीटर 875 मीटर, प्रत्येक दिन उसे दूरी 2 बार तय करनी पड़ती है, एक बार जाना पड़ता है, एक बार आना पड़ता है, 6 दिन में उस विद्यार्थी के द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर किलोमीटर को पहले मीटर में बदल सकते हैं, तो यहाँ पर किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर में 1,000 होते हैं, 1,000 मीटर और 875 मीटर कितना हो गया, 1,875 मीटर हो गया। और एक दिन में 2 बार जिसको जाना पड़ता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऐसा कितने दिन करता है, वो 6 दिन करता है, तो 6 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन है, जैसे एक लीटर दही है, 4 लीटर है और 500 मिलीलीटर है, यानी कि हम कह सकते हैं मिलीलीटर में इसको बदलें, लीटर को मिलीलीटर को, तो ये हो जाएगा 4,500 मिलीलीटर। क्या हो जाएगा, 4,500 मिलीलीटर मिलीलीटर होते हैं, तो 4 में कितने होंगे, 4,000, 4,000 और 500, 4,500 हो जाएगा। 25 मिली लीटर धारिता वाली कितने गिलास होगा,